प्रणाम पिताश्री। अच्छा रामचंद्र तू मुझे पहुंचेगा? नहीं पिताश्री। हाँ खोल दे तो चल खड़ा हो पिताश्री। ये क्या इतना दिन से आप आपके चरणों में आते थे प्रणाम करने के लिए? नहीं कहो मुझे पिता। इसमें आपके चरणों में मैं हम दोनों भाई प्रणाम किया। थोड़ा आशीर्वाद की जरूरत में अपने पैरों से हम दोनों भाई को ठुकराए। लेकिन क्यों पिताश्री क्यों? हाँ तुम दोनों भाई को जो कुछ भी पूछूंगा सदा सत्य बोलना। सत्य के सिवाय झूठ मत बोलना। है पिताश्री हम दोनों भाई आज सच्ची बोलूंगा। सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। ये बताओ इस राज महल में जब से तुम्हारी मां मरी कौन सा ऐसा वस्तु था जो उसे हर वक्त सोने में जागने में अपने सीने से लगा रखते थे? पिताश्री आज रात्रि हम दोनों भाई अपने कमरे में सोए थे और जो गेंद जिस वस्तु के कारण हम दोनों भाई वह एक गेंद है। हाँ वो गेंद है। बता सकते हो इस वक्त वो गेंद कहाँ है? पिताश्री वो गेंद आज दो चार दिन पहले खो गई पिताश्री। हाँ जिस गेंद को तूने हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता था वह गेंद दो चार दिन पहले खो गया। जी पिताश्री। और तुम दोनों भाई को तनिक भी चिंता नहीं? जिस तरह मां मर जाने के बाद राजमहल में तुम हलचल मचा रखा था मां के लिए, उसी मां के यादों में तुम गेंद अपने सीने से दबाए रखता था। हाँ? क्योंकि उस गेंद में तुम्हारी माँ की छवि दिखाई देता था। पिताश्री वह गेंद आज चार दिन से खो गया। हाँ। और तुम दोनों भाई को कोई भी चिंता नहीं। पहचान करो ये वही गेंद है। हाँ पिताश्री ये तो वही गेंद है। हाँ हाँ ये वही गेंद है। तुम पुत्र नहीं आज तुम पिता का कुपुत्र हो। आप क्या कह रहे पिताश्री? आप क्या कह रहे? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आता? कुछ नहीं समझ। आज की रात्रि माँ के कमरे में तुम क्या करने के लिए गया था? पिताश्री माँ को माँ के कमरे में नहीं पिताश्री आज रात्रि तो हम दोनों भाई अपने कमरे में। झूठ झूठ बोलते थे। Oh,
जिसमें मेरी मां मरी थी, आपने शमशान घाट में जलते हुए चीता के सामने मुझे वचन दिया था। अरे भूल जा मरी हुई मां को, क्यों आंसू बहा रहा है, जो लौट कर जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूं शीत बसंत, हर जब तक तुम्हारा पिता संसार में जिंदा रहेगा, माता और पिता का संसार में प्यार दूंगा, कोई अनाथ नहीं कर सकता है। माता और पिता का प्यार दूंगा, कभी आंख से आंसू नहीं गिरने दूंगा। अपने खून पर विश्वास कीजिए पिताजी। तुम्हारी मां मेरे साथ झूठ बोला या तो झूठ बोल रहा है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू मेरा पुत्र भी है। लेकिन तुम्हारे आंखों की आंसू बता रहे हैं कि तूने कोई गलती नहीं किया। पिता श्री, क्या संसार में आपका खून गंदा है, जो आपके संतान का खून गंदा हो सकता है? बचपन से लेकर आज तक, अपने दरबार से आज तक, बगैर इजाजत के हम दोनों भाई एक पांव भी आगे नहीं बढ़ाए, तो फिर इतना बड़ा भूल एक मां के साथ कैसे कर सकता हूँ, जिस मां के लिए हमेशा आंसू बहाता रहा। अगर जीवन में मां मिल जाए तो क्या उस मां के साथ हम दोनों भाई कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे आंसू मुझे सत्य कह रहा है, लेकिन तुम दोनों भाई से गलती जरूर हुआ। मां के साथ तूने, तुम दोनों ने जरूर गलती किया है। अगर कोई भूल कोई चूक कर दिया मां के साथ, तो इस वक्त जाओ अपनी मां के पास माफी मांगो, क्योंकि तुम दोनों का जीवन मेरे पास रहे, तुम्हारे मां के हाथ में है। ये क्या करे पिताश्री, माँ के पास माफी मांगने के लिए जाऊंगा? कैसा इंसाफ है प्रभु आपका, जब संसार में एक पिता और पुत्र को माफ नहीं कर सका। वो पराये नारी जिन्होंने अपने गर्भ से बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो बच्चे का दर्द क्या जाने। आज उस सौतेली माँ के पास हम दोनों भाई को माफी मांगने के लिए भेज रहे, क्या हम दोनों भाई को माफ करेंगे? पुत्र, औरत के दिल में दया आती है, औरत एक माँ है, और माँ का दिल क्या होता है संसार में सब कोई जानता है। जाओ माँ की चैन पकड़ कर इतना रोना, इतना रोना, माँ का अगर दिल पत्थर भी हो गया हो, पिघला कर उसे मोम बना देना, मोम ही नहीं बल्कि उसे पानी बना देना। हाँ, ऐसा ही करूंगा। चाहो चाहो माँ के पास, अगर माफी मांगने में लेट हो जाए, माँ के कमरे में आप शीत बसंत का इंतजार नहीं कीजिएगा, बल्कि माँ के कक्ष में जाकर देखिएगा, क्या माँ ने सही में शीत बसंत को माफ किया या नहीं किया। ठीक है पुत्र, जरूर आइएगा पिताजी। अगर थोड़ा सा भी विलंब हुआ माँ के सामने, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगा तुम्हें देखने के लिए। आओ जेलो जेलो अकबर हो तू।